नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास टांगिया। दर्शकों, पिछले कुछ सप्ताह से लगातार हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ साल 2000 से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करते चले आ रहे हैं। इस स्पेशल सीरीज में हमने उनसे हेल्थ, वेल्थ, करियर, लकी कलर्स, तमाम पहलुओं पर बातचीत करी। आज हम उनसे 2024 को मद्देनजर रखते हुए रिलेशनशिप के बारे में बातचीत करेंगे। हमारा आज का विषय है वास्तु एंड रिलेशनशिप 2024। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। हमारे आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे, वास्तु एंड रिलेशनशिप 2024? रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा विषय है। जो शादीशुदा है, जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते बन चुके हैं, वो भी हमेशा चिंतित रहते हैं कि रिश्तों में जो एक बोलते हैं कि एनर्जी जो है वो फीलिंग, वार्म फीलिंग बनी रहे। जो शादी ब्याह के बारे में सोचते हैं, अनमैरिड है, लड़की है, लड़के हैं, जो भी है, तो उनको हमेशा ये ख्याल होता है कि हमारे लिए परफेक्ट टाइम क्या होगा जो हमें परफेक्ट अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए। तो रिलेशनशिप इन 2024, उसकी खास वजह यह है कि जब कभी कोई आदमी पैदा होता है तो उसकी ज़िंदगी के अलग अलग उम्र के पड़ाव के हिसाब से उसको अलग अलग तरह के रिजल्ट मिलते हैं। किस उम्र पे जाके, कई बार आपको एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि भैया आपकी शादी ब्याह के योग ये साल में बनेंगे, ये साल में बनेंगे, इस तरह की बातें बनाई जाती है। लेकिन उस पूरे 365 दिन के कैलेंडर में कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जो इंडिविजुअल नहीं होते हैं, जो आम तौर पे हरे के लिए अच्छे हैं। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में कैलेंडर और मुहूर्त के बारे में बात करें तो अखात ऋषि के बारे में हम सब जानते हैं, वसंत पंचमी के बारे में हम सब जानते हैं। तो साल के ऐसे दो कैलकुलेशन ऐसे हैं जो इतने ऑस्पिशियस माने जाते, इतने ज़्यादा ही ऑस्पिशियस माने जाते हैं कि उस वक्त अगर किसी भी वजह से आपको कोई भी तरह का जो चौघड़िया होता है, यानी कि जो टाइम फ्रेम होती है, अच्छे शुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त, उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो दोनों दिनों के अंदर, वसंत पंचमी, अखात ऋषि में 24 घंटे में कभी भी आप शादी कर सकते हो। जिन लोगों की कुंडली से मुहूर्त नहीं निकलता है उन लोगों को भी वो दिन लाइक शादी ब्याह के लिए अप्रूवल मिल जाता है एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस के अनुसार। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल में कुछ ऐसा ऑस्पिशियस मुहूर्त, ऑस्पिशियस दिन और कैलकुलेशन आता है जो रिलेशनशिप और शादी ब्याह को बनाने में आपकी हेल्प करता है। 2024 का जो वास्तु है वो वैसा ही ऑस्पिशियस टाइम है रिलेशनशिप बनाने के लिए अनमेरिड लोगों के लिए। और जिनके रिश्तों में किसी भी वजह से कोई रुकावट है, कोई परेशानी है, किसी भी वजह से रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन ज़्यादा चलते हैं, उन लोगों के लिए भी ये कह सकते हो कि ये सुनहरा अवसर है, बहुत ही अच्छा टाइम है कि वो अपने रिश्ते को वापस एक बार अच्छी ऊर्जा, अच्छी एनर्जी और एक नया रुख दे सकते हैं। दो अलग अलग तरह से बात करेंगे मैरिड लोगों के बारे में 2024 एंड रिलेशनशिप का वास्तु क्या कहता है, और अनमैरिड लोगों के लिए सिंपल इजी वास्तु टिप्स ताकि इस साल वो अपने लाइफ पार्टनर को अच्छी तरीके से ढूंढ सके। जी पल्लवी जी, 2024 की जो स्पेशल सीरीज है इसमें लोग बाग गहरा रुझान दिखा रहे हैं, खास इसलिए भी क्योंकि ये साल जो है ना अन्य कुछ सालों से विशेष है, क्योंकि ये साल लीप ईयर है। अब फरवरी का महीना जो है इसमें जाहिर है 28 की जगह 29 दिन है, तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि भी बहुत कुछ विशेष हो सकता है और अलग अलग तरीके से आप उसे डिफाइन भी कर रहे हैं। थोड़ा ये बताइए कि वास्तु जब लीप ईयर में आता है तो उसमें क्या फर्क, क्या मायने बदल जाते हैं? वास्तु जब लीप ईयर में आता है तो जिसको हम वी एनर्जी कह रहे थे कि जिसमें एक साथ दो तीन एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, वो साल की स्पेशलिटी आम तौर पे वास्तु शास्त्र में लीप ईयर की, इससे पहले भी जितने लीप ईयर आ चुके हैं उसमें यही रही है कि लीप ईयर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है और उसमें कुछ बातें ऐसी होती है जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। जैसे 2024 में हम वास्तु के हिसाब से मानते हैं कि फाइनेंशियल चीज़ों के लिए ये साल अच्छा नहीं रहेगा, अपने सेविंग्स को संभाल के रखना चाहिए, कोई ज़्यादा ओवर कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। हेल्थ के लिए भी ये 2024 का वास्तु ये कहा जाता है कि सही नहीं रहेगा। और पूरा साल एक जैसा नहीं, साल दो पार्ट में मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। जनवरी से जून महीने तक आपको डिफरेंट फीलिंग आएगी, जून से दिसंबर महीने तक आपको डिफरेंट फीलिंग आएगी। तो लीप ईयर का मतलब होता है कि समांतर स्तर पे एनर्जी फोर्स नहीं रहता है, एक जैसा पूरा साल नहीं जाता है। अगर आपको फाइनेंशियल नुकसान है या बेनिफिट है तो भी मतलब एक जैसा नहीं रहेगा पूरे साल भर तक। यहाँ पे बात रिलेशनशिप की चल रही है तो इसी तरीके से रिलेशनशिप की डेफिनेशन और उसकी वास्तु की टिप्स भी ऐसी है कि जनवरी महीने से लेकर जून महीने तक आपको डिफरेंट तरह से प्रिकॉशन लेने हैं
और जून महीने से लेकर दिसंबर महीने तक आपको अपने घर में रिलेशनशिप कॉर्नर को इन्हांस करने के लिए कुछ डिफरेंट तरह के टिप्स को अप्लाई करना है। तो लीप ईयर का मतलब होता है कि पूरा साल एक जैसा नहीं रहता है, साल में अप एंड डाउन, अप्स एंड डाउन ज्यादा दिखाई देते हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि इस साल को दो लोगों के बीच में बांट देते हैं, एक तो ये कि जो मैरिड हैं और दूसरा वो जो अनमैरिड हैं। चलिए अनमैरिड लोगों पर पहले बात करते हैं कि उनके लिए रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, जो उत्सुक हैं अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, या फिर कहीं रिलेशनशिप की कहीं, मतलब जिसको कहते हैं ना कि कहीं कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, कुछ उम्मीद ही नहीं लग रही है, कहीं लगता है कि 2024 में अगर वो प्रयास करें तो शायद आगे बढ़ सकते हैं, क्या कहेंगे? 2024 खास करके कुछ ऐसे लोगों के लिए हैं जो किसी भी वजह से रिलेशनशिप में या शादी ब्याह में किसी वजह से, उम्र की वजह से कुछ पीछे चले गए हैं और काफी टाइम से बात बनते बनते नहीं बन रही, वो तमाम लोगों के लिए ये साल वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। जनवरी महीने से जून महीने तक का वास्तु शास्त्र का रिलेशनशिप ऑनर ये कहता है कि हर व्यक्ति दर व्यक्ति अपने हिसाब से जो आपके लकी स्टोन हो, जो आपके लकी जेम स्टोन हो, अगर आप उसको धारण करते हो, अगर आप उसको पहनते हो, स्टोन पहनने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अंगूठी बना के पहनो, लेकिन जो भी आपके लकी स्टोन हो उस तरह की आप ज्वेलरी मार्केट से बाय कर सकते हो, वैसा पेंडेंट हो सकता है, आप अपने लिए नेकलेस बनवा सकते हो, अलग अलग तरह से आप उसको रिंग बना सकते हो। तो अगर पूरे साल भर तक, अगर आप जनवरी से जून तक के 6 महीने में आपको पहनना है, निकालना है, ऑन एंड ऑफ नहीं करना है, कॉन्स्टेंटली पहन के रखना है, तो जिस व्यक्ति को अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अपना लकी स्टोन या अपना जेम स्टोन पता हो, अगर आप जनवरी महीने तक, जून महीने तक उसकी कोई भी तरह की ज्वेलरी जो आप अफोर्ड कर सको, आसानी से खरीद सको, वैसी बना के अगर आप पहनते हो, तो ये जो पूरा 6 मंथ का कैलकुलेशन है वो आपके रिलेशनशिप को बनाने के लिए बहुत ही पावरफुल काम करेगा। किसी वजह से मान लेते हैं कि आपको पूरी जानकारी नहीं है या आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है वो सही है कि गलत है, तो समांतर स्तर पे 2024 का वास्तु एंड रिलेशनशिप के लिए वास्तु की टिप्स ये है कि रोज क्रिस्टल जो है वो 2024 में रूबी एंड रोज क्रिस्टल, एस्ट्रोलॉजिकल बात में रूबी एंड वास्तु के हिसाब से रोज क्रिस्टल को रिलेशनशिप बनाने के लिए पूरे साल भर तक बहुत अच्छा माना गया है। अनमैरिड लोगों के लिए अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा कि वो अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अगर किसी वजह से उनको रूबी या रोज क्रिस्टल सूट नहीं करता हो, तो इस तरह की ज्वेलरी को, इस तरह के स्टोन्स को, इस तरह के बने हुए कोई भी ज्वेलरी को वो पर्टिकुलर अपने घर के साउथ यानी दक्षिण दिशा में, साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा में, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा में, तीनों में से कहीं भी पहन सकते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी, इतने सालों में वास्तु में कहा जाता है कि रिलेशनशिप का कॉर्नर सिर्फ साउथ वेस्ट है, लेकिन 2024 ऐसा नहीं है। यहाँ पे अनमैरिड लोगों को रिलेशनशिप में अपने राइट पार्टनर को ढूंढने के लिए साउथ भी हेल्प कर सकता है, साउथ ईस्ट भी हेल्प कर सकता है और साउथ वेस्ट भी हेल्प कर सकता है, और तीनों चीज़ें हैं, तीनों डायरेक्शन है, उसमें आप कोई भी तरह के कलर की ज्वेलरी या उस तरह के स्टोन्स को तभी रख सकते हो जब किसी वजह से आप पहन नहीं सकते हो, जो भी रीजन रहा हो, बट आप पहन नहीं सकते हो। अगर आप पहन सकते हो तो आपको ये किसी भी कॉर्नर में रखने की जरूरत नहीं है, आप अपना लकी जेम स्टोन पहने और सिर्फ रोज क्रिस्टल को साउथ यानी दक्षिण दिशा, साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा एंड साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा में आप रख सकते हो, और ये किसी भी एज में, यानी कि आप अभी राइट, अभी आपकी उपयुक्त एज है और आप अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो, उनको भी बेनिफिट करेगा, और किसी भी वजह से शादी ब्याह में विलंब हो गया हो, लेट हो गया हो, राइट टाइम पे आपको राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हो, तो वैसे लोगों को भी ये कॉर्नर इन्हांस करना चाहिए। और इस स्टोन के साथ कुछ और चीज़ों को भी रखना है तो हम बारी बारी आपको हर चीज़ लिखवाते हैं, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो, और साथ में ये भी बता दूं मैं कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप रखते हो, आपने किसी वजह से गलती कर दी, आपको डायरेक्शन समझ भी नहीं आई, लेकिन इसका कोई भी नुकसान नहीं है। दर्शकों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पल्लवी जी आप भी हमारे साथ बने रहिए, बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। यहाँ कुछ बात मैरिड लोगों की हो जाए कि साल 2024 रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं,
उसको कैसे और पुख्ता कर सकते हैं। अब देखिए, अनमैरिड लोगों की तो बात अलग रहती है, मैरिड में भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक वो जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें और मजबूती और एक दूसरे का आत्मविश्वास जीतने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो वो बात। दूसरा वो कि कुछ के रिलेशनशिप ऐसे हैं सिर्फ नाम मात्र हैं, लेकिन वैसे रिश्ते में काफी खटास है, उतार चढ़ाव है, उनके लिए भी क्या सुझाव रहेगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के हिसाब से समझते हैं कि रिश्ते बनते किससे हैं और बिगड़ते किससे हैं। तो वास्तु के हिसाब से अनमैरिड लोगों के लिए मून की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिससे आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको राइट पार्टनर मिलता है। मून के साथ साथ शुक्र की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते को बनाने का काम करता है, जिसे हम कहते हैं कि हमने बहुत सारी कोशिश की बट ये साल में आके 2024 में हमारी मंगनी हुई या 2024 में जाके हमारी शादी हुई। तो बात मैरिड की और अनमैरिड की हुई, लेकिन रिश्तों को जोड़ के रखने का काम मून एंड शुक्र दोनों साथ में मिलकर करते हैं। तो शुक्र का यहाँ पे रोल ये है 2024 में कि वो मार्च महीने के बाद से, यानी कि मई जून जुलाई अगस्त तक उसका जो पूरा रोल है वो इतना पावरफुल रहेगा कि आदमी के रोमांस कॉर्नर को आप कह सकते हो या रिलेशनशिप कॉर्नर को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने का काम करने वाला है 2024 के कैलकुलेशन के हिसाब से। मून शुरू से ही 2024 में बहुत ही अच्छा माना गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों एनर्जी जो है वो इकट्ठी होके साल में मेजोरिटी शुक्र का साल होने की वजह से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रहेगी जो सैटर्न की वजह से खराब होने के बावजूद भी आपको फायदा करती है, क्योंकि वो एनर्जी को कवर कर लेता है। क्योंकि मून और शुक्र दोनों जब साथ में मिल जाते हैं तब वो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ नेगेटिव एनर्जी को अपने आप ही वहाँ से उसको निकाल देते हैं, उसके इफेक्ट इतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं पड़ते हैं। रिलेशनशिप बनाने के लिए दो बातों को ध्यान में रखना है, आपको कुछ रूम्स वगैरह के लिए कॉर्नर बढ़ाने हैं। शादीशुदा लोगों के बारे में बात करते हैं तो 2024 में साउथ वेस्ट, जो कि आमतौर पर रिलेशनशिप कॉर्नर माना जाता है, नॉर्थ ईस्ट जो कि साउथ वेस्ट के साथ अर्थ एलिमेंट की दिशा मानी जाती है, एंड नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एंड सेंटर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, ये तीनों दिशा में एक ही एलिमेंट रहते हैं जिसको अर्थ एलिमेंट कहते हैं। तो 2024 में अगर आप अर्थ एलिमेंट को इन्हांस करते हो तो उस कंडीशन में आपके रिलेशनशिप में कोई उतार चढ़ाव है, किसी भी वजह से नाराजगी है, जैसे अभी अभी विकास जी ने कहा कि रिश्ता अगर सिर्फ नाम का रह गया है लेकिन आप इंटरेस्टेड हो, ईगो बीच में आ जाता है और किसी वजह से हम किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है, तो ऐसे तमाम लोग 2024 में कुछ पॉजिटिव कोशिश करते हैं सिंपल वास्तु टिप से, तो वो रिलेशनशिप को दोबारा एनर्जाइज करने का काम करेगा, रिश्ता वापस आपका हेल्थी बन सकता है। नॉर्थ ईस्ट सेंटर पार्ट ऑफ द हाउस एंड साउथ वेस्ट एंड नैऋत्य कॉर्नर, ये तीनों दिशाओं को आपको इन्हांस करना है। नॉर्थ ईस्ट में मून का पिक्चर रखना है और मून के साथ साथ ऐसी पिक्चर ढूंढनी है जिसके साथ नीचे वाटर एलिमेंट हो। काफ़ी सारे पेंटिंग आपको ऐसे दिखाई देंगे जिसमें नीचे वाटर एलिमेंट होता है और ऊपर फुल मून का पिक्चर्स होता है। वास्तु के हिसाब से मैरिड और अनमैरिड लोगों के लिए जो दूसरी टिप्स मैं देना चाहूँगी, जो रिलेशनशिप को मजबूत बनाने का काम करेगा, अगर आपने जेमस्टोन पहने और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपको राइट पार्टनर की आप तक बात पहुंची है, लेकिन उस रिश्ते को बनाने के लिए आपको और भी कुछ टिप्स को अप्लाई करना है, वो मैरिड और अनमैरिड दोनों लोगों के लिए इक्वल रहेगी। उसमें सबसे पहली वास्तु टिप्स ये है कि आप फुल मून का पिक्चर ले सकते हो जिसमें वाटर एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है और वो पूरा डार्क नाइट के टाइम पे, यानी कि ब्लू कलर का पिक्चर्स होना चाहिए। लॉटस का पिक्चर ले सकते हो, लॉटस जो है वो पिंक या मजेंडा कलर का होना चाहिए, जो कि फीमेल के लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेगा। जब बात पति पत्नी की है तो आप ये दोनों तरह की तस्वीर को आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, बेडरूम में होना ज़रूरी नहीं है लेकिन कंपास देखकर आपको अपने घर का रियल नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं, उसमें 45, 50 degrees, 60 degrees तक आप कहीं पे भी इस पिक्चर को हैंग कर सकते हो। दीवार पे आपको हैंग करना है, अगर आपके पास कोई फ्रेम है तो आप उसको वहाँ पे स्टैंड पे भी लगा सकते हो, लेकिन बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप दीवार पे पेंटिंग को लगाइए। जो अनमैरिड लोगों हैं, अनमैरिड लोगों के बेडरूम है, उनके बेडरूम के बराबर सामने उनके बेड को रिफ्लेक्ट करता हुआ मिरर 2024 के अनुसार लगाना चाहिए, सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए। और मैरिड लोगों को अपने मास्टर बेडरूम में, अपने बेड के अंदर, क्लोजेट के अंदर, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो तो जहाँ कहीं मिरर है उसको कवर करना चाहिए। ये एक टिप्स ऐसी है जो दोनों लोगों के लिए डिफरेंट, एक दूसरे से अपोजिट काम करती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमेशा कहा जाता है वास्तु में
कि कभी भी मास्टर बेडरूम में वाटर एलिमेंट के पिक्चर्स नहीं रखने हैं। अनमैरिड लोगों के लिए 6 स्टेप का जो वाटरफॉल आता है मार्केट में आपको आसानी से कहीं पे भी मिल जाएगा, तो 6 स्टेप का जो वाटरफॉल आता है वो जिस बेडरूम में वो सोते हैं उनके राइट कॉर्नर के ऊपर, जो आपने नाइट स्टैंड रखा हुआ हो उनके राइट कॉर्नर पे आप छोटा सा 6 और 8 स्टेप का वाटरफॉल लाकर रख सकते हैं। और आपको उस वाटरफॉल को स्विच ऑन करना है, उसको कॉन्स्टेंटली पूरे साल भर तक, यानी कि आप जनवरी जून तक तो रखोगे लेकिन पूरे साल भर तक आपको चलाना है। आई एम होपिंग कि आपको पानी ज़्यादा बॉदर ना करेगा, उसकी जवाब उसकी आवाज़ से आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, उस तरह से आप नाइट स्टैंड के आसपास उसको सेट कर सकते हो। लेकिन जनवरी महीने से लेकर दिसंबर तक वाटरफॉल सिर्फ 2024 का वास्तु ऐसा है कि वाटर एलिमेंट अनमैरिड लोगों के लिए मास्टर बेडरूम में या फिर जहाँ पे भी वो सोते हैं, अगर आप सेकेंड मैरिज करना चाहते हो, आप सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो और आप अगर अपना बेडरूम यूज़ करते हो तो अपने मास्टर बेडरूम के राइट कॉर्नर में रख सकते हो। आप घर के बेटा बेटी ब्रदर सिस्टर हो और आप अपने रेगुलर बेडरूम में सोते हो तो आप अपने बेडरूम के राइट कॉर्नर में रख सकते हो। वाटर एलिमेंट, कुछ खास तरह के पिक्चर पोस्टर पेंटिंग, कुछ खास तरह के जेमस्टोन, अगर आपको अपना लकी जेमस्टोन पता ना हो तो आप रोज क्रिस्टल, ये तमाम चीज़ें मिला के 2024 में रिलेशनशिप की कोई भी समस्या हो उसको सॉल्व करने का काम करेगा। और अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ लकी कलर भी सजेस्ट करने वाली हूँ। पल्लवी जी, बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए, लोटस का दिया और कुछ फंक्शनली से जुड़े प्रोडक्ट्स ही कहूंगा, ये जो आपने फाउंटेन वाली बात करी बेड साइड पे रख सकते हैं, ये गिफ्ट्स का जो एक सिलसिला है ना वो एक दूसरे की तरफ प्यार का इजहार करता है। जब भी आप मेल फीमेल कोई भी किसी को देता है, एक ऐसा होता है कि एक दूसरे का साथ और प्यार, उसका समर्थन प्राप्त करने का एक तरीका होता है। खास अगर मैं रिलेशनशिप को पुख्ता करने के लिए गिफ्ट्स की भी बात करूं, थोड़ा हमें वो गाइड कीजिए कि क्या क्या दे सकते हैं। और दूसरा ये कि जो कलर्स अभी आपने कहा कि कलर्स भी कुछ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, वो कौन कौन से कलर्स हैं? 2024 में अगर माता पिता या ब्रदर सिस्टर अपने कोई भी दोस्त स्वजन को, जो भी अनमैरिड बच्चे हैं उनको अगर कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, वो विश करना चाहते हैं कि आपकी शादी ब्याह ये साल हो जाए, या उनको कुछ पॉजिटिव रिलेशनशिप के बारे में गिफ्ट देना चाहते हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि लव नॉट सिंबल एंड डबल हैप्पीनेस सिंबल, वो दोनों चीज़ें पंक्चुअल के अनुसार 2024 में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मानी गई है। सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में बात होती है वहाँ तक बात है, तो अगर अनमैरिड लोगों को भी आप लव नॉट और डबल हैप्पीनेस सिंबल साथ में दे सकते हो, अगर किसी भी वजह से बेटा बेटी बहू के बीच में, या आपको मालूम है कि आपके परिवार में कोई भी भाई भाभी किसी के बीच में रिलेशनशिप में अनमैरिड अनबन चलती है और वो मैरिड है, तो उनको भी आप ये तरह के गिफ्ट दे सकते हो। तो गिफ्ट देने के लिए 2024 में सबसे बेहतरीन 3 गिफ्ट को मैं मानती हूँ, जैसे लव नॉट सिंबल दे सकते हो, डबल हैप्पीनेस सिंबल दे सकते हो एंड रोज क्रिस्टल के बने हुए कोई भी गिफ्ट आर्टिकल जो मर्जी आप उनको दे सकते हो। यहाँ पे बात है कि कलर्स किस तरह से अप्लाई किए जाएंगे, तो आपको हमने स्टोन के बारे में सजेस्ट किया, स्टोन के साथ साथ पिक्चर पोस्टर पेंटिंग के बारे में सजेशन लिए, कुछ ऐसी वास्तु और फंक्शन के हिसाब से कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में सजेशन लिए। ये तमाम तीनों के साथ एक और रेमेडी, जो कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना, वो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा रिलेशनशिप के लिए, पूरा एक पैकेज बन जाएगा। और उसमें सबसे लास्ट है रेमेडी और सजेशन है, वो कलर्स की है। जैसे हमने कलर्स के ऊपर पूरा शो किया था, आप हो सके तो दोबारा उस शो को देख सकते हो, आपको कलर्स के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आमतौर पर न्यूट्रल कलर 2024 का सिल्वर माना गया है। सिल्वर कलर जो होता है वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि सिल्वर जो है वो मून का कलर माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2024 में जहाँ पे बात रिलेशनशिप को बनाने की है वहाँ पे सिल्वर कलर को अप्लाई करना पड़ेगा। रिलेशनशिप आपके अपने कलीग के साथ हो, जहाँ पे आप अपनी जॉब करते हो उसके साथ हो, आपके जो भी इन्वायरमेंट आपके आसपास हो, जो भी आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप डील के साथ हो और वहाँ पे आप रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको सिल्वर एंड लाइट पीच कलर का प्रयोग करना है। उसके अलावा आमतौर पर वास्तुशास्त्र के अनुसार रिलेशनशिप का बेहतरीन कलर माना जाता है सिल्वर एंड एक्वामरीन। एक्वामरीन जो होता है जिसमें ब्लू एंड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन एक साथ इकट्ठा हो जाता है। तो जहाँ पे बात अनमैरिड लोगों की हो, जहाँ पे बात मैरिड लोगों की हो, वहाँ पे स्टोन्स और सारी चीज़ अप्लाई करने के बाद अगर बात बेडरूम की है तो आप एक्वामरीन कलर की बेडशीट, उस तरह के अलग अलग तरह के जो भी तरह के बेडरूम के अंदर आपके पास सोफा हो तो छोटे कुशन रख सकते हो, सेंटर टेबल के ऊपर पोर्ट प्यूरी रख सकते हो, ऐसे कलर की रग डाल सकते हो, जिस कमरे में आप सोते हो
कम से कम आम आदमी की नींद 7 से 8 घंटे की होती है, तो जिस कमरे में आप सोते हो उस कमरे में आपके आसपास उस कलर को हाईलाइट करना है। सिल्वर एंड एक्वा मरीन की बहुत सारी चीज़ें मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। पूरे साल भर तक आपको ये कलर्स कॉम्बिनेशन अपने बेडरूम में, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है और आप घर से ही काम करते हो तो जो आपका घर में होम ऑफिस एरिया है वहाँ पे भी आप जाके जो आसानी से इस कलर्स के पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, फ्लोर डेकोर जो भी आप आसानी से कर सको वो कलर्स आपको इन्हांस करने हैं। और किसी वजह से आप जॉब पे फिजिकल लोकेशन पे जाते हो, वहाँ पे जाके काम करते हो, तो आप अपना जो डेस्क है उसके ऊपर ऐसे कलर का कोई भी डेकोरेशन मार्केट से खरीद के डेकोर वगैरह आप रख सकते हो, ऐसे कलर की कोई भी पिक्चर्स पेंटिंग वगैरह लगा सकते हो अगर आपके पास इनफ स्पेस हो, कैबिन हो, क्यूबिकल हो, जो आपसे आसानी से क्रिएट हो सके वैसा आपका वर्क एरिया में और आपके घर में दोनों जगह पे आपको कलर्स रेमेडी को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये सारा कॉम्बिनेशन मिला के 2024 में कोई भी ऐसी व्यक्ति रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करती है जो बहुत सालों से कामयाब नहीं है या सक्सेसफुल नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि ऐसा बहुत कम बार होता है, लेकिन मेरे इतने सालों की प्रैक्टिस में मैंने काफ़ी बार लीप ईयर देखे हैं और उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखे हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 2024 का वास्तु खुद यूनिवर्स आपको सिंपल ईजी टिप्स से अपने कॉर्नर्स को, रिलेशनशिप कॉर्नर को बढ़ाने की नेचुरल एनर्जी से आपको हेल्प करेगा। ये आप कह सकते हो कि ये सकारात्मक ऊर्जा घर में क्रिएट होगी, तो आप ये टिप्स को अप्लाई करके इसके पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हो। जी पल्लवी जी, बहुत अच्छे सरल सहज उपाय आपने बताए, मुझे लगता है कि इनको मैं टिप ऑफ द वीक की तरह ही लेते हुए चलूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आज के विषय पर आपसे बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। दर्शकों, हम बहुत जल्द लौटेंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से, आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और आज हम अपनी वास्तु और फंक्शनल कंसल्टेंट पल्लवी जी से वास्तु और रिलेशनशिप 2024 विषय पर बातचीत कर रहे हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। रिलेशनशिप पर बातचीत हो रही है, हमने मैरिड अनमैरिड लोगों के लिहाज से तो बात करी, लेकिन रिलेशनशिप का दायरा बहुत बड़ा है। रिलेशनशिप हो सकता है कि सास बहू का हो, भाई बहन का हो, बच्चों और पेरेंट्स का हो, उस रिलेशनशिप के दायरे को 2024 में किस तरह से देखते हैं? 2024 का जो कैलकुलेशन है उसके अनुसार सबसे आइडियल होता है पर्सनल रिलेशनशिप को बनाने के लिए, लेकिन किसी भी वजह से आपके सोशल रिलेशनशिप हो, आपके प्रोफेशनल यानी कि आपके बिजनेस रिलेशनशिप हो और उसमें भी कुछ अनबन चलती हो, तो 2024 के लिए मैं आपको कंसल्टेंट होने के नाते एक सलाह ये देना चाहूँगी कि ये साल ऐसा नहीं कि आप अपने रिलेशनशिप को कट ऑफ करो, इस साल आप उसको संभाल के रखो। ऑटोमेटिकली सर्कमटेंसेस ऐसे बने कि वो रिश्ता लॉन्ग टर्म तक बन जाएगा, स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में बनी रहेगी, लेकिन 2024 के अनुसार अगर आपके कोई भी एक्सटेंडेड फैमिली, सोशल, बिजनेस, प्रोफेशनल कोई भी रिलेशनशिप में कोई भी तरह की अनबन चलती हो तो आप अपने घर के ईस्ट यानी पूर्व दिशा के अंदर, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा के अंदर एंड नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा के अंदर कुछ चीज़ों को रखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। पार्टनरशिप है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी चल रही है, आप कुछ कह नहीं सकते अपने पार्टनर को और आप मन में दुविधा में पड़े हो कि क्या होगा इस बिजनेस का, तो उसके लिए भी टिप्स काफ़ी अच्छी है। कई बार हम किसी के साथ काम करते हैं, वो हमारा एक्टिव पार्टनर होता है और जो इन्वेस्टर होता है वो भी परेशान हो जाता है क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे किसी वजह से गफला हो रहा है, डाउट है और मैं अपने रिलेशनशिप के लिए इसके साथ जाके डायरेक्टली बात करूँ, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। 2024 में मैं कह सकती हूँ कि आप अपने जितना अच्छी तरीके से पर्सनल रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हो उतना ही आसानी से आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बना सकते हो और उसके लिए उत्तर यानी नॉर्थ दिशा में एमेथिस्ट रॉक को रखना है, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा में भी एमेथिस्ट रॉक को रखना है और ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में आपको कार्निलियन स्टोन को रखना है। अगर आपको किसी भी चीज़ की एलर्जी नहीं है तो 2024 में आप अपना रिलेशनशिप कॉर्नर को इन्हांस करने के लिए घर के ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा के अंदर, घर के साउथ ईस्ट यानी अग्नि कॉर्नर के अंदर और घर का नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा के अंदर खुशबू वाली चीज़ों को डेफिनेटली रखें, जिसमें खास करके सैंडलवुड जो है वो हर कॉर्नर में अप्लाई कर सकते हो। किसी वजह से आप पूरे घर में स्प्रे करना नहीं चाहते हो तो ये 3 दिशाओं में उससे रिलेटेड खुशबू वाली चीज़ों को, कोई भी तरह का स्प्रे, कोई भी तरह का एडिटर, जो भी जिस आसानी से आप कर सको आप उस तरह के परफ्यूम को यूज़ कर सकते हो, रूम फ्रेशनर को यूज़ कर सकते हो, फ्रेग्रेंस को यूज़ कर सकते हो।
अगर आपको उस तरह का माहौल बनाना है और आपके पूरे घर में आप इस तरह की फ्रेग्रेंस को एवरीडे स्प्रे करना चाहते हो तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो लेवेंडर कलर की खुशबू, अगर आपको कोई भी एलर्जी ना हो, और सैंडलवुड, ये दोनों 2024 के अनुसार ऑस्पिशियस अरोमा यानी कि फ्रेग्रेंस माने गए हैं। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु।